कटरीना कैफ अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए मांगने जा रही हैं खास मन्नत। एक खास जगह पर जाने वाली हैं कटरीना कैफ। वैसे तो कटरीना कैफ जो भी फिल्म करती हैं, उसकी स्क्रिप्ट कई बार पहले ही पढ़ती हैं। उन्हें भरोसा होता है कि वो सुपरहिट फिल्म होगी, लेकिन कटरीना कैफ फिर भी अपनी फिल्म के लिए दुआ मांगना नहीं भूलती। इस बार भी कटरीना ने फिल्म की सफलता के लिए दुआ करने की ठानी है। आप इन बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन कटरीना के सीक्रेट के बारे में आपको इस वीडियो में बताते हैं। शरीर पर सलवार कमीज और सिर पर चुन्नी, कटरीना की ये वो तस्वीरें हैं जो अजमेर की हैं। कटरीना अपनी फिल्म रिलीज होने से पहले अजमेर शरीफ की दरगाह जाना नहीं भूलती। वो फिल्म की सक्सेस के लिए ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में सजदा करती हैं। ऐसा एक या दो बार नहीं हुआ जब कटरीना अजमेर शरीफ गई हो। वो 2006 से ऐसा करती आ रही हैं। 15 साल हो चुके हैं कटरीना कैफ को अजमेर जाते हुए। कटरीना इसे अपने लिए लकी मानती हैं। कटरीना के मुताबिक अजमेर के ख्वाजा शरीफ मोइनुद्दीन चश्ती जिसके सिर पर हाथ रख देते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है। यही वजह है कि अपनी फिल्म की किस्मत की नैया पार लगाने के लिए वो मन्नत मांगना नहीं भूलती। अगली फिल्म को हिट कराने के लिए कटरीना इसी मंत्र को आजमाने वाली हैं। वैसे आपको ये भी बता दें कि कटरीना कैफ के अजमेर शरीफ को लेकर पहली बार विवाद हुआ था। साल 2006 में कटरीना कैफ पहली बार दरगाह पहुंची तो उन्होंने स्कर्ट पहनी थी। कटरीना ने फिल्म नमस्ते लंदन के लिए मन्नत मांगी, लेकिन उनकी इस स्कर्ट से बवाल हो गया। धार्मिक स्थल पर स्कर्ट पहनने को लेकर कटरीना कैफ की काफी आलोचना हुई। उन्हें दरगाह की तरफ से नोटिस भेजा गया, जिस पर कटरीना कैफ ने बाद में माफी भी मांगी। इस विवाद के बाद कटरीना कैफ ने दरगाह के नियमों का पालन किया और 2007 से हमेशा सलवार कमीज में नजर आईं। अजब प्रेम की गजब कहानी सिंग इज ब्लिंग, न्यूयॉर्क फिल्म के लिए उन्होंने मन्नत मांगी। फैंटम और फितूर के लिए उन्होंने अजमेर की दरगाह शरीफ में यही सिलसिला जारी रखा। यह अपने आप में दिलचस्प है। कटरीना विदेशी मूल की है, वो भारत में पैदा नहीं हुई, मगर आस्था में पूरी तरह बिलीव करती हैं। ख्वाजा के आशीर्वाद को अपने लिए गुड लक की तरह मानती हैं कटरीना। धूम 3 और भारत फिल्म की सफलता के लिए भी उन्होंने दरगाह पर चादर चढ़ाई। कटरीना की तरह ही सलमान भी ऐसा करते आए हैं। वैसे कटरीना जितना धर्म में यकीन करती हैं, उतना ही ज्योतिष को भी मानती हैं। वो अपनी कार के नंबर ज्योतिष के हिसाब से रखती हैं। कटरीना गणपति बप्पा की पूजा में भी हिस्सा लेती हैं। वो सलमान खान की फैमिली के गणपति पूजा फंक्शन में हिस्सा ले चुकी हैं, लेकिन बाद जब फिल्म की आती है तो वो सिर्फ अजमेर के दरगाह शरीफ की ओर चल पड़ती हैं। और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। कटरीना को उम्मीद है कि अजमेर शरीफ के ख्वाजा उनकी फिल्म को सुपरहिट नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर कराएंगे।